सर। सो आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट समझ गए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है? ए लार्ज वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मींस द रिएक्शन टेंड्स टू प्रोसीड अंटिल द रिएक्टेंट्स आर ऑलमोस्ट कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। अगर के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज्यादा है मतलब प्रोडक्ट भी ज्यादा है कंसंट्रेशन में और रिएक्टेंट कम है तो भी वो रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। अब एक एग्जांपल के माध्यम से हम इसको समझते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को और अच्छे से, ठीक है। क्या प्रॉब्लम है? ये प्रॉब्लम है कि आर एटीपी एंड एडीपी एट इक्विलिब्रियम इन सेल्स, दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है। तो इस रिएक्शन का एटीपी का जो ब्रेकडाउन है इसका इक्विलिब्रियम कहां पर है, इसको फाइंड आउट करते हैं। तो ये दिया हुआ है, देखिए कि इसका इक्विलिब्रियम जो है दैट इज 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 5 मोलर। एक्चुअली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का कोई यूनिट नहीं होता है, ये हम नहीं लिखना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि देखिए यहाँ पर भी मोलर है यहाँ भी मोलर, मोलर यूनिट मोलर मल्टीप्लाइड बाय मोलर डिवाइडेड बाय मोलर मल्टीप्लाइड बाय मोलर कैंसिल आउट हो गया, कोई यूनिट नहीं होता है, यहाँ लिखना नहीं चाहिए था ये एम, सिर्फ 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर एम, दिस मच इज सफिशियंट, ठीक है भाई किताब है हमसे ज्यादा ही जानता होगा। कुछ आगे देखेंगे हम लोग प्रॉब्लम में कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का क्या यूनिट ये लगा रहा है बाद में, यहाँ पर तो एम लगा रहा है तो होना नहीं चाहिए एम, एब्सोल्यूट वैल्यू एटीपी। अब देखिए इसका दिया हुआ है प्रॉब्लम में, तो सेल के अंदर क्या है, सेल के अंदर क्या कंडीशन है, इक्विलिब्रियम पर है या नहीं है? क्यों? क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो हुआ उसके कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन जो इक्विलिब्रियम पर था उसका रेशियो है प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का। अब देखिए फॉर्मूला में इफ मेजर्ड सेलुलर कंसंट्रेशंस, ये उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गया ब्रेक डाउन का 2 मल्टीप्लाई बाय, और सेल के अंदर एटीपी का कंसंट्रेशन अगर 5 मिलीमोलर है और एडीपी का कंसंट्रेशन 0.5, ये होता है इकोलाई सेल में रफली इतना ही कंसंट्रेशन, एटीपी का कंसंट्रेशन 5 मिलीमोलर, एडीपी का 0.5 मिलीमोलर और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का 5 मिलीमोलर। तो इन दिस रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम इन लिविंग सेल्स, तो अब लिविंग सेल में देखिए क्या कि ये कंसंट्रेशन है प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स का, तो क्या स्थिति है लिविंग सेल में, क्या इक्विलिब्रियम पर है या नहीं है? तो एक चीज आप और समझ लीजिए, एक टर्म है मास एक्शन रेशियो। व्हाट इज मास एक्शन रेशियो? इज यह के ई क्यू जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये तो हो गया आपका कंसंट्रेशन जो था इक्विलिब्रियम पर, ओके प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स का, उसका ये डेरिवेटिव है। अब लेकिन सेल में तो इक्विलिब्रियम पर नहीं है आपका कंसंट्रेशन, एटीपी जो है ब्रेकडाउन तो हो रहा है, अगर इक्विलिब्रियम पर रहता तो फॉर्मेशन ऑफ एटीपी एंड द ब्रेकडाउन ऑफ एटीपी दोनों बराबर हो गया रहता, तो एटीपी का फर्दर ब्रेकडाउन हो ही नहीं पाता सेल में, हम जब भी एनर्जी चाहें तब। तो क्या है यहां पर, बहुत ज्यादा होता है उसका के ई क्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एटीपी का। अब देखिए 2 to the power 10 to the power 5 है, 20 लाख इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, यानी एडीपी का 20 लाख मॉलिक्यूल बन जाएगा और एटीपी का एक मॉलिक्यूल भी अगर बचा हुआ रह गया तो भी एटीपी कन्वर्ट हो जाएगा, यानी एडीपी, समझ रहे हो बात को, एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है, अगर ये दोनों प्रोडक्ट जो है 20 लाख मॉलिक्यूल भी हो गया और ये एक मॉलिक्यूल भी बचा हुआ है तो फिर भी कन्वर्जन हो जाएगा। अब 20 लाख नहीं है, अब अगर 21 लाख हो गया तब नहीं होगा कन्वर्जन, एक है और 21 लाख है तब नहीं होगा, क्योंकि अब तब वहां पर अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, लेकिन 20 लाख तक ये झेल सकता है इसको एक मॉलिक्यूल। तो अब देखिए मास एक्शन रेशियो क्या होता है, मास एक्शन रेशियो मतलब किसी भी कंसंट्रेशन पर, प्रोडक्ट का कोई भी कंसंट्रेशन हो, हम जान रहे हैं रिएक्शन जो है अभी इक्विलिब्रियम में नहीं है, तो भी क्या रेशियो होगा दोनों के,
दैट इज मास एक्शन रेशियो। अगर इक्विलिब्रियम पर ये रेशियो लिए हैं तो दैट इज इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट, ठीक है, एंड दिस इज ए कॉन्स्टेंट वैल्यू। और फॉर ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ कंसंट्रेशन विच इज नॉट अ कंसंट्रेशन एट द इक्विलिब्रियम, सो दैट विल बी मास एक्शन रेशियो। तो हम अब सेल का मास एक्शन रेशियो निकालेंगे। ऑब्वियसली सेल इज नॉट एट द इक्विलिब्रियम, मास एक्शन रेशियो ऑफ द सेल विल बी, यही फॉर्मूला हो गया, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, दोनों का मल्टीप्लीकेशन। प्रोडक्ट क्या था आपका यहाँ, एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो एडीपी का कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, एटीपी का कंसंट्रेशन कितना हो गया, द वैल्यूज आर गिवन, 0.5 मिलीमोलर मल्टीप्लाइड बाय 5 मिलीमोलर डिवाइडेड बाय 5 मिलीमोलर, 5 मिलीमोलर 5 मिलीमोलर कैंसिल आउट हो गया, बच गया आपका 0.5 मिलीमोलर। तो इसको बना दिए हम मोलर में, एम में कन्वर्ट कर दिए, ठीक है, एम में, यस सर, ओके, ये मिलीमोलर तो एम में कन्वर्ट किए तो कितना हो गया, 5 मल्टीप्लाइड बाय 10^-4 एम। सेल के अंदर में अंडर फिजियोलॉजिकल कंडीशन मास एक्शन रेशियो इज दिस। सो नाउ यू कैन इमेजिन दिस रेशियो इज फार फ्रॉम दिस वन, दिस इज द रेशियो एट द इक्विलिब्रियम एंड दिस इज द मास एक्शन रेशियो एट द इक्विलिब्रियम। सो दैट इज व्हाई दिस इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज मास एक्शन रेशियो एट द इक्विलिब्रियम एंड दिस इज द मास एक्शन रेशियो अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंस। How much different these two numbers are? देख लीजिए, 10^9, ठीक है, ये -4 है, तो अगर इसको हम डिवाइड कर दें इस पे, तो क्या हो गया आपका 10^9 बिलियन टाइम्स ये जो है दूर है उससे। तो सेल जो है रेडिली हमेशा एटीपी जो है ब्रेक डाउन करके एडीपी बनाते रहते, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है सेल को, कोई बैकवर्ड रिएक्शन कहीं हिंडर करने नहीं आता है इसको, बहुत दूर है इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत दूर है, इस वजह से डेल्टा जी भी बहुत ज्यादा है। बात समझ में आई आपको, हेलो? yes, नहीं समझ में आता तो पूछो, नहीं तो बोलो कि हाँ आ गया, चलते हैं। ये एक पॉइंट, कौन क्या पॉइंट, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि आर एटीपी एंड एडीपी एट इक्विलिब्रियम इनसाइड द सेल, क्योंकि हम बता रहे हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, तो एटीपी का हम देख रहे हैं कि ये क्या सीन है सेल के अंदर। तो मास एक्शन रेशियो सेल के अंदर क्या है, मास एक्शन रेशियो अंडर एक्सपेरिमेंटल कंडीशन जो है हम नापे उसका, तो एट इक्विलिब्रियम इट इज 2 × 10^5 मास एक्शन रेशियो एट द इक्विलिब्रियम इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 2^2 × 10^5 सो दिस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दैट मींस अगर प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इतना हो गया 20 लाख गुना ज्यादा रिएक्टेंट से, ठीक है, तब जाकर के इक्विलिब्रियम आएगा इसमें, ठीक है, प्रोडक्ट 20 लाख गुना ज्यादा हो गया तब जाके इक्विलिब्रियम आएगा। तो अब सेल के अंदर तो ये कंडीशन नहीं है, तो उसमें हम देखें इक्विलिब्रियम में तो नहीं है सेल, तो वहां पर मास एक्शन रेशियो क्या है, मास एक्शन रेशियो आ रहा है 5 × 10^4। सो एक्चुअली दिस इज द सेम टर्म, क्यू जो है के क्यू भी, क्यू इज बेसिकली के क्यू ओनली बट एट इक्विलिब्रियम, बट दिस इज क्यू व्हेन द इक्विलिब्रियम इज नॉट देयर एंड इन साइड द लिविंग सेल। सो हाउ मच द डिफरेंस इज देयर बिटवीन क्यू एंड के, कितना दूर है देख लो, बहुत दूर हो गया इक्विलिब्रियम से अंडर फिजियोलॉजिकल कंडीशन। So this value is far from the equilibrium constant for the reaction, that is 2^10^5 molar. So the reaction is very far from the equilibrium in cells. Cell में equilibrium इसका इस reaction का कभी नहीं आ पाता है,
हमेशा जो है जब भी एटीपी को ब्रेक करना होगा सेल को, वो ब्रेक कर देगा, इक्विलिब्रियम की वजह से हिंड्रेंस कहीं नहीं आएगा। ओके, बीच में एंजाइम इन्वॉल्व रहेगा, ठीक है, आप एंजाइम इन्वॉल्व रहेगा, आप इस फिगर को देखिए फिर से, आपको समझ में आएगा आएगा कि एंजाइम क्या कर रहा है, इसी फिगर में छुपा हुआ है, दिख रहा है सबको फिगर ये? नेक्स्ट टॉपिक एंजाइम का बताएंगे, देखिए इसमें क्या हो रहा है, एटीपी से एडीपी, आप यहां देखेंगे कि एक ट्रांजिशन स्टेट है जिसका एनर्जी स्टेट इज हायर देन द इनिशियल स्टेट, थोड़ा सा ऊपर चढ़ा, ठीक है, इसकी वजह से, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ये जो स्लोप अपवर्ड गया इसकी वजह से स्पॉन्टेनियसली एटीपी जो है एडीपी और पीआई में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा अपने आप। ओके, ऑल्दो दिस इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, एक्सर्गोनिक प्रोसेस, ऑल्दो, क्योंकि डेल्टा जी बहुत ज्यादा निगेटिव है, लेकिन एक ट्रांजिशन स्टेट होने की वजह से अगर ये डायरेक्ट यहां पर से लुढ़काव होता है इसका, तो एटीपी हम जितना फॉर्म करते तुरंत ब्रेक डाउन होकर एडीपी पीआई बन जाता है। ओके, क्योंकि इसका के क्यू क्या है, बहुत ज्यादा है, तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ब्रेक डाउन के डायरेक्शन में अपने आप स्वतः जाते जाएगा जाते, तो क्या होगा, इनर्जी वेस्ट हो जाएगा हम जिस समय, क्योंकि एटीपी क्या है, करेंसी है, करेंसी किस काम आता है, जब जरूरत हो तभी खर्च हो, एक कंटिन्यूअस एनर्जी फॉर्मेशन हो रहा है, वेस्ट भी हो रहा है, लूज भी हो रहा है, एटीपी अपने आप ब्रेक डाउन होते चला जाएगा। एंजाइम है यहाँ पर इन्वॉल्व। ओके, तो एंजाइम इन्वॉल्व है, तो ये जो ट्रांजिशन स्टेट जो हायर एनर्जी स्टेट है, ये एंजाइम से ओवरकम कर लिया इस प्रॉब्लम, अगर ये थोड़ा सा समझ लो कि ये क्लच है, एक तरह का लीवर है, एक बार थोड़ा सा ये उठ ऊपर चढ़ गया, एंजाइम इसको पहुंचा दिया हायर एनर्जी स्टेट में, एंड देन वहां से लुढ़क गया, मतलब अगर एंजाइम नहीं है तो ये अपने आप तो नहीं चढ़ जाएगा ऊपर, ठीक है ना, ये लुढ़केगा तभी जब ऊपर चढ़ेगा, तो एंजाइम इस रिएक्शन को पॉसिबल कर दे रहा है, ठीक है। कहाँ थे हम, ये प्रॉब्लम क्लियर हुआ आपको, इज दिस प्रॉब्लम क्लियर टू, इनसाइड द सेल मास इज फार फ्रॉम द इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट, यही मतलब है, क्लियर हुआ आपको? यस सर, यस सर। सो बट इट इज सेइंग दैट सो फार द रिएक्शन इज वेरी फार फ्रॉम द इक्विलिब्रियम इन सेल्स, एटीपी इज फार हायर एंड एडीपी इज फार लोअर देन इज एक्सपेक्टेड एट द इक्विलिब्रियम, ठीक है, हाउ कैन ए सेल होल्ड इट्स एटीपी बाय एडीपी रेशियो सो फार फ्रॉम द इक्विलिब्रियम, ठीक है, एटीपी और एडीपी का रेशियो होता है सेल के अंदर और वो इक्विलिब्रियम से काफी दूर है, ठीक है ना, ये बेसिकली एटीपी एडीपी का भी रेशियो है, अगर इसको उल्टा कर दें, अगर आप एटीपी डिवाइडेड बाय एडीपी कर दें तो इसका मोटा मोटी उल्टा हो जाएगा ना, 10 to the power 4 ऊपर आ जाएगा, this ratio is far from the equilibrium and it does so by continuously extracting energy from nutrients such as glucose and using it to make ATP from ADP. तो ये continuously ATP का synthesis हो रहा है, लेकिन ATP का जब breakdown हो रहा है वहां पर enzyme involved है, क्योंकि एक higher energy state है transition. अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल हम देते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन है कि इज द हेक्सोकाइनेज रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम इन सेल्स, पहला रिएक्शन तो हम देखे एटीपी अलोन, एक ही रिएक्शन, अब हेक्सोकाइनेज भी इसमें घुसा दिया, मतलब ग्लूकोज इज कन्वर्टिंग इनटू ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट, यानी ये वाला रिएक्शन जिसमें G1 प्लस G2 इज इक्वल टू G3 हो रहा था, कपलिंग कर दिया गया, ओके, ग्लूकोज का इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ रिएक्शन, दिस इज अनफेवरेबल, एनर्जी डिमांडिंग, सो इट इज कपल्ड विद द हाईली एक्सर्गोनिक प्रोसेस, दिस दैट इज ब्रेकडाउन ऑफ एटीपी, दिस टू रिएक्शंस आर कंबाइंड, इसी दोनों रिएक्शन को हम यहाँ पर कंबाइन करके प्रॉब्लम में देख रहे हैं। तो इसमें क्या है,
क्या इक्विलिब्रियम पर है सेल में या क्या पोजीशन है इक्विलिब्रियम का. फॉर द रिएक्शन कैटलाइज्ड बाय एंजाइम एक्सोकाइनेज़, दिस इज द रिएक्शन. द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज 7.8 × 10^2. इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये है इस रिएक्शन का, ये कपल्ड रिएक्शन का, समझ रहे हो. इस रिएक्शन में दो रिएक्शन घुसा हुआ है ना, एक एक्जर्गोनिक एक एंडर्गोनिक, और ये जो कपल्ड रिएक्शन है, जो टोटल रिएक्शन है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये है. उस दोनों कपल्ड रिएक्शन का अलग अलग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है. ओके, सो इन लिविंग इकोलाई सेल्स एटीपी कंसंट्रेशन इज 5 mmol, एडीपी इज 0.5, ग्लूकोज इज 2 mmol एंड ग्लूकोज 6-फॉस्फेट इज 1 mmol. नाउ द क्वेश्चन इज द रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम इन इकोलाई. तो के इक्यू आप निकाल लीजिए, इसका कितना होगा प्रोडक्ट का. प्रोडक्ट क्या है यहाँ पर, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट एंड एडीपी. हम इस कपल्ड रिएक्शन का देख रहे हैं. तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको ऑलरेडी इज गिवन, 7.8 × 10^2 इज इक्वल टू. अब प्रोडक्ट क्या है आपका, एडीपी पहला प्रोडक्ट, दूसरा प्रोडक्ट ग्लूकोज 6-फॉस्फेट, ये दोनों का कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर. एडीपी मल्टीप्लाइड बाय ग्लूकोज 6-फॉस्फेट डिवाइडेड बाय एटीपी एंड ग्लूकोज, दोनों का कंसंट्रेशन. तो इन लिविंग सेल्स एडीपी मल्टीप्लाइड बाय ग्लूकोज 6-फॉस्फेट डिवाइडेड बाय एटीपी, ये हो गया आपका. इसको आप यहाँ पर सारा वैल्यूज दिया हुआ है, तो आप इसको कैलकुलेट कीजिए कितना आएगा, 0.5 mmol मल्टीप्लाइड बाय 1 mmol, 5 mmol, 2 mmol डिवाइड बाय ये आया वैल्यू 0.05. सो दिस इज आपका क्या है, 0.05 इज योर व्हाट, 0.05 इज योर व्हाट, के इक्वेशन सर, इक्विलिब्रियम. 0.05 इज द मास एक्शन रेशियो ऑफ दिस रिएक्शन. यहां पर भी हम मास एक्शन रेशियो निकाले अंडर फिजियोलॉजिकल कंडीशन, ठीक है, इसका रेशियो था और कांस्टेंट जब इक्विलिब्रियम था तो उसका रेशियो इतना आपको दिया हुआ है. तो आपने इकोलाइम निकाला सिर्फ इस अकेले रिएक्शन का जो हाईली एक्जर्गोनिक था. अब यहां पर कपल्ड रिएक्शन का मास एक्शन रेशियो देख रहे हैं, सेम टाइप ऑफ प्रॉब्लम है. तो इसका भी आया आपको कितना वैल्यू, 0.05. एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ दिस कपल रिएक्शन इज 7.8 × 10^2. सो नाउ अगेन यू कैन इमेजिन दिस वैल्यू इज फार फ्रॉम दिस वैल्यू, दोनों में काफी अंतर है. सो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ दिस कपल रिएक्शन अगेन इज फार फ्रॉम, ओके, इज फार फ्रॉम द इनिशियल कंसंट्रेशन. समझ में आया आपको. तो ये भी रिएक्शन जो है इसका भी बैकवर्ड नहीं होगा ये, जब तक, क्योंकि इक्विलिब्रियम बहुत ज्यादा है, फार फ्रॉम है, तो जब तक ग्लूकोज 6-फॉस्फेट बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं बन जाएगा. अब देखिए दोनों में अंतर कितना है, इसका इक्विलिब्रियम 7.8 × 10^2 है, तो ये 7800 हो गया, लगभग 8000. तो समझ लो कि 8000 मॉलिक्यूल ग्लूकोज 6-फॉस्फेट का बन गया और एक भी बचा रहा ग्लूकोज तो भी कन्वर्ट हो जाएगा. यहाँ पर 2,000,000 था, यहाँ पर 8000 है. तो द रिएक्शन इज देयरफॉर फार फ्रॉम द इक्विलिब्रियम. द सेलुलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स दैट इज ग्लूकोज 6-फॉस्फेट एंड एडीपी आर मच लोअर देन द एक्सपेक्टेड एट इक्विलिब्रियम, बहुत कम है इक्विलिब्रियम से, ओके, एंड दोज ऑफ द रिएक्टेंट्स आर मच हायर. द रिएक्शन देयरफॉर टेंड्स स्ट्रांगली टू गो टू द राइट, ये हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे होगा, ठीक है. अब यहां तक आपको सिर्फ कांस्टेंट ही बता रहे थे, इस कांस्टेंट को हम डेल्टा जी के फॉर्मूला में कैसे घुसाएंगे, यानी डेल्टा जी, बिकॉज डेल्टा जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के ई क्यू.
सो डेल्टा जी इज इक्वल टू के यू क्यू मल्टीप्लाइड बाय वन मोर कांस्टेंट दैट यू कैन राइट सो गिव्स सो दैट डेल्टा जी दैट इज एक्चुअल फ्री एनर्जी चेंज फॉर एनी केमिकल रिएक्शन इज ए फंक्शन ऑफ स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज। अब कहने का मतलब कोई भी कंडीशन हो लेकिन टेम्परेचर एंड प्रेशर कॉन्स्टेंट होना चाहिए एंड पीएच भी कॉन्स्टेंट होना चाहिए, तो उस कंडीशन में डेल्टा जी का जो चेंज है दैट विल बी ए फंक्शन ऑफ स्टैंड फ्री एनर्जी चेंज अंडर द स्टैंडर्ड कंडीशन। तो फ्री एनर्जी चेंज अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन निकालना आसान है कि नहीं आसान? आपने आर्टिफिशियल सिस्टम में सब फिट कर दोगे, टेम्परेचर कांस्टेंट कर दोगे, पीएच सेम कर दीजिएगा आप, कंसंट्रेशन सेम कर देंगे आप, मैनिपुलेट कर दीजिएगा, तो आप यू कैन कैलकुलेट अंडर द एक्सपेरिमेंटल कंडीशन दैट इज डेल्टा जी जीरो। बट टू कैलकुलेट डेल्टा जी अंडर बायोलॉजिकल सिस्टम इज समवॉट डिफिकल्ट, क्योंकि वहां पर टेम्परेचर अलग अलग है, अलग है। ओके, तो डेल्टा जी को निकालने के लिए हम डेल्टा जी जीरो का सहारा लेते हैं, क्योंकि डेल्टा जी इज द फंक्शन ऑफ स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज एंड दिस इज कॉन्स्टेंट बिकॉज स्टैंडर्ड कंडीशन आर ऑल्सो कॉन्स्टेंट। स्टैंडर्ड कंडीशन टेम्परेचर 25, आपका वन एटमोस्फेरिक प्रेशर, वन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, सारे रिएक्टेंट भी वन मोलर, प्रोडक्ट भी वन मोलर। और अगर डेल्टा जी जीरो प्राइम लगा दिए, डैश लगा दिए ऊपर, तो पीएच भी सेवन है, a constant, so this is the constant because the conditions are constant and for a particular chemical reaction delta g is constant under standard condition, so delta g zero is also a constant, so this constant is a function of another constant, see the beauty here, so ek variable amount ko variable value matlab figure ko prapt karne ke liye aapko constant se hi pata chal ja raha hai। So that is the beauty of this equation, कि constant से, this also is constant, KQ is constant, सब constant है। A constant that is characteristic of each specific reaction, and अब देखेंगे आगे कि कैसे वो constant यहाँ पर है। And a term that expresses the initial concentration of reactants and products। तो इसको हम बताते हैं, अभी थोड़ी देर पहले हमको एक्सप्लेन भी किए थे कि डेल्टा जी जीरो फ्री एनर्जी चेंज अंडर द स्टैंडर्ड कंडीशन विल बी डिफरेंट दैट द डेल्टा जी, सो यू कैन राइट इट एज डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी जीरो प्लस आर टी लॉग ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स मल्टीप्लीकेशन ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय मल्टीप्लीकेशन ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। इसको आप रट लीजिए, डेल्टा जी जीरो इज इक्वल टू डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी जीरो प्लस आर टी एल एन यानी लॉग ऑफ दिस मच, वेयर ए आई इज द इनिशियल कंसंट्रेशन, रिएक्शन के शुरू होने पर जो इनिशियल कंसंट्रेशन था रिएक्टेंट्स का, दैट इज ए आई, आई से डिनोट किया गया, एंड सो फोर्थ। R जो है आपका गैस कांस्टेंट है, T जो है आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। सो नाउ अब आप इमेजिन करिए कि इक्विलिब्रियम पर क्या हो रहा है, इक्विलिब्रियम पर डेल्टा जी जो है जीरो हो जाता है, फ्री एनर्जी चेंज जीरो। तो अगर आप जीरो को पुट कर दीजिए एट इक्विलिब्रियम, व्हाट इज हैपनिंग, इफ जीरो इज इक्वल टू डेल्टा जी डैश प्लस आर टी लॉग ऑफ दिस वैल्यू, then what you will obtain this value at equilibrium, this condition will be fulfilled. Yes or no, समझ में आया कि नहीं? Yes. या फिर से बताएं? Yes sir, delta g is equal to delta g zero plus rt log of this, ठीक है, and the log of this at the equilibrium is, at equilibrium this is kq, equilibrium constant। अगर आपका रिएक्शन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से ही स्टार्ट किया, मान लीजिए कि इक्विलिब्रियम पर जो कंसंट्रेशन है दैट इज द इनिशियल कंसंट्रेशन, सपोज
सो यू कैन पुट दिस एज, यू कैन राइट इट एज क्या, इक्विलिब्रियम पर डेल्टा जी जीरो हो गया, तो इक्विलिब्रियम पर ये भी हो गया आपका, ये वैल्यू जो हो गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गया, तो यानी जीरो इज इक्वल टू डेल्टा जी जीरो प्लस आर टी लॉग ऑफ के ई क्यू, यू कैन राइट। अब इसको इधर ले आइए आप, डेल्टा जी जीरो इज इक्वल टू देन माइनस आर टी लॉग ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये क्लियर हुआ, ये फॉर्मूला कहां से आया, ये फॉर्मूला यहां से आया, ठीक है। अब इस फॉर्मूला को भी आप फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लॉग को बेस 10 में कन्वर्ट कर दीजिएगा, यानी यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए माइनस 2.303 मल्टीप्लाइड बाय गैस कांस्टेंट टेम्परेचर एंड लॉग टू द बेस 10। तो ये डिफिकल्ट है, तो लॉग को बेस 10 पर हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इसको बेस 10 में कन्वर्ट कर दिए तो माइनस 2.303 से मल्टीप्लाई कर दोगे। सो नाउ इन दिस इक्वेशन व्हाट यू आर सीइंग हियर इज, आप डेल्टा जी निकाल लिए क्योंकि डेल्टा जी भी कांस्टेंट है, और विद द हेल्प ऑफ वन कांस्टेंट, दोनों तरफ कांस्टेंट, आर भी तो कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट है, टी इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर दैट ऑल्सो इज कांस्टेंट। सो ये रिलेशन है एक कांस्टेंट का दूसरे कांस्टेंट के साथ, इसीलिए बहुत ही अच्छा इक्वेशन है, इस पर बहुत प्रॉब्लम सब सॉल्व होगा। और ये हमको मदद भी करता है ये इक्वेशन कि अंडर द फिजियोलॉजिकल कंडीशन व्हाट इज योर डेल्टा जी फ्रॉम विच। हाँ कुछ पूछना किसी को, क्या कोई कुछ कह रहा है, फ्रॉम विच वी सी दैट डेल्टा जी जीरो इज सिंपली ए सेकेंड वे बिसाइड्स इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट ऑफ एक्सप्रेसिंग द ड्राइविंग फोर्स ऑन ए रिएक्शन। कहने का मतलब हुआ, अब आप देख लीजिए, हम पहले बताए ही थे आपको जी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जितना ज्यादा होगा, यानी ओके उतना ही ज्यादा निगेटिव ये वैल्यू हो जाएगा डेल्टा जी, ओके मैग्नीट्यूड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का ज्यादा होगा, डेल्टा जी जीरो भी उतना ही निगेटिव होगा। सो डेल्टा जी सिंपली अ सेकेंड वे बिसाइड्स दिस ऑफ एक्सप्रेसिंग द ड्राइविंग फोर्स ऑन ए केमिकल रिएक्शन बिकॉज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज एक्सपेरिमेंटली मेजरेबल, एक्सपेरिमेंटली मेजर कर सकते हैं, वी हैव ए वे ऑफ डिटरमाइनिंग डेल्टा जी जीरो द थर्मोडायनेमिक कांस्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच रिएक्शन। अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल लिए तो आप फ्री एनर्जी चेंज भी निकाल लोगे। द यूनिट्स ऑफ डेल्टा जी जीरो एंड डेल्टा जी आर जूल्स पर मोल कैलोरीज पर मोल व्हेन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज मच मोर मच मच लार्जर देन वन। डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज्यादा है तो आपका क्या हुआ, डिस्कस किए है ना, व्हेन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज मच मच लार्जर देन वन देन डेल्टा जी जीरो विल बी लार्ज। ये अगर एक से ज्यादा है तो डेल्टा जी भी बहुत ज्यादा मात्रा में निगेटिव होगा ना, अगर वन है अगर ये, तो डेल्टा जी बराबर क्या होगा, माइनस आर टी ऑफ लॉग टू द बेस 10 का वन का लॉग। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वन होने का मतलब क्या है, वन होने का मतलब यह है कि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट्स का कंसंट्रेशन जब दोनों बराबर हो गया तब रिएक्शन रुक गया। दोनों बराबर हो गया कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का, तो इक्विलिब्रियम अचीव हो गया, तो रिएक्शन नेट फॉर्मेशन जो है जीरो हो गया, वन का मतलब ये हुआ। तो वन से ज्यादा जितना हुआ डेल्टा जी जीरो उतना ही निगेटिव है, वन से कम है तो डेल्टा जी उतना पॉजिटिव है, वन से नीचे होगा तो माइनस माइनस प्लस कर देगा। सो फ्रॉम द टेबल ऑफ एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन वैल्यूज ऑफ इधर के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड डेल्टा जी जीरो वी कैन सी एट अ ग्लांस व्हिच रिएक्शंस टेंड टू गो टू कंप्लीट एंड व्हिच डू नॉट। ओके सो वी विल, अभी टाइम बहुत कम बचा है, हम लोग
नेक्स्ट क्लास करेंगे अब. ओके, यहां से याद रखना, कंटिन्यू करना. वन कॉशन अबाउट द इंटरप्रिटेशन ऑफ. ठीक है. Okay, sir. कल 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 संडे को करोगे क्लास या रात? यस सर, यस सर, करेंगे क्लास. यस सर, कीजिएगा तो, कीजिएगा तो 6 बजे आ जाइएगा. कल संडे को. ओके सर, चलिए. ओके ओके सर, बाय बाय. थैंक यू सर. थैंक यू सर. अच्छा पहले रुको रुको, समझ में आया? ये लंबा क्लास हुआ, ये काफी है कुछ कंसेप्ट को समझने के लिए. आपको समझ में आया कि नहीं ये बताइए. और इसको रिवाइज करना, नहीं समझ में आया नेक्स्ट क्लास में पूछना. ठीक है? यस सर. ओके सर, देखना वीडियो. थैंक यू सर. बाय बाय. थैंक यू सर.